नमस्कार। गुरु पूर्णिमा आज एक ऐसा शुभ अवसर है जिस दिन हम जो भी हैं वो हमारे सारे गुरुजनों के कारण है, इसको याद करने का दिन होता है। मैं अभी आप ही की तरह विद्यार्थी हूँ, थोड़ा सीनियर विद्यार्थी हूँ, इतने ही। और आज का विषय है कि इतने वर्षों के बाद सीखने, पढ़ने, रियाज करने, कार्यक्रम करने, अब मैं उस स्टेज पर हूँ कि जहाँ मैं थोड़ा चिंतन करता हूँ। और ये चिंतन सबको करना चाहिए। चिंतन करने से अपनी गलतियाँ भी पता लगती हैं और क्या हो सकता है। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि मैं आज के दिन अपने गुरुजनों का जो भी प्रसाद है, जो भी मुझे मिला है, और सही में मैं इस विषय में बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन प्रेम से सिखाने वाले। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण सबका दूंगा, आपको तो पता लगेगा कि मैं गुरु इस विषय में कितना भाग्यवान। प्रथम गुरु मेरे पिताजी, जब हम लोग बच्चे थे छोटे, तो भी 6-7-8 साल की उम्र थी, स्कूल से आते थे थक के सो जाते थे, मगर हमारे पिताजी उसी समय उठा के, उस समय थोड़ी माताजी से उनकी वाद विवाद भी होता था, बोले तुमको नहीं समझेगा, रुको, नींद से उठा के बोले देखो 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 ये रोशन आरा बेगम नंद गा रही है, देखो कैसे तान मार रही है, नंद की तान कठिन होती है। दोपहर को कभी हम लोग खेलने गए तो सुनो सुनो रेडियो लगाओ, रीवा लगाओ, रीवा रेडियो लगाया तो उस समय रीवा से दोपहर में 12:30 से 1 तक बढ़िया कार्यक्रम आते थे, बोले भीमसेन जोशी जी देखो और सारंग गा रहे हैं, कैसा गा रहे हैं। तो ये हम लोग फीडिंग जिसको बोलते हैं बचपन से, ऐसे पिता गुरु मुझे मिले, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। और भी आपने जो गुरुजन देखे उसमें मेरे गायन के गुरु कालविन जी, उन्होंने हमको ये बताया कि गाना मतलब मीठा होना चाहिए, कर्कश नहीं होना चाहिए, तभी जनता आपसे जुड़ेगी, कोई आपका गाना सुनना चाहेगा। और उन्होंने एक विषय बताया था कि जैसे देखो गाड़ी सीधे थर्ड गियर में डालोगे तो नहीं चलेगी ना, तो गला भी ऐसा ही है, गले को पहले देखते हुए संभालते हुए, सा भी लगाना तो डायरेक्ट सा लगना बहुत कठिन है, बहुत 1-2% हो गए जिनका सीधे बैठते ही सा लगता है। तो उन्होंने कहा पहले ऋषभ से निषाद से उसको चारों तरफ से घेर के, मैं आगे बताऊंगा कैसे, उनका आशीर्वाद क्या है मैं पहले बात बता रहा हूँ। विश्वनाथ राव जोशी साहब अयोध्या में भरी महफिल में जो बंदिश नहीं आती थी कृष्ण मुरारी धानी की, हमको 4 बार उन्होंने गा के तुरंत वहीं का वहीं पक्की कर दी। तो ये ऐसे गुरुजन मुझे मिले। बाला साहब पूछ वाले, मैं उनके यहाँ बराबर 9:00 बजे पहुँच जाता था, टप्पा शुरू किया स्थाई, बहुत देर तक हो गई, तो बोलते थे वहाँ देखो किताब देखो उसमें से शब्द देखो, हमने कहा गुरु जी इसमें नोटेशन लिखा है, बोले ठीक है नोटेशन कई लोगों ने किया है, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, मगर हम जो गले से बता रहे हैं वो सही है, उसको ध्यान दो। तो ऐसे ऐसे गुरुजन मुझे मिले। फिर मुखर्जी साहब, हमारे बाकी सारे गुरु गायन वाले,
मगर मुखर्जी साहब हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले, पहले दिन जाते ही जब उन्होंने शिक्षण शुरू किया मेरा, तो पहले दो तीन दिन सुना उन्होंने और फिर पूछा क्या क्या सीखे हो। तो मैं शुरुआत में पहले 10 साल तबला सीखा, फिर गायन सीखा, 15-16 की उम्र के बाद मैंने वायलिन सीखा था। तो उस दिन बोले कि देखो भागवत, बात क्या है, तुम्हारे पास फूल बहुत से हैं मगर तुमको अभी फ्लावर पार्ट बनाने नहीं आ रहा है, तो मैं तुमको वो बताऊँगा संयोजन कैसे होता है, हर चीज़ कैसे जुड़ती है। फिर उन्होंने इतना सिखाया मुझे कि मतलब मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि मुझे शाम को क्या सिखाने, वो सवेरे खोज के रखते थे और किताब में कागज़ डाल के रखते थे कि भागवत शाम को आएगा तो उसको ये बताना है। मुझे मतलब उनका स्मरण करके रुलाई आती है कि कितना भाग्य मेरा। पंडित गजानन राव जोशी जी, हम लोग बम्बई सीखने आते थे उनको, उनकी शिक्षण पद्धति पहले थी कि पहले हाथ पर बैठ के कोई भी बोल ले के धिक्ल धिंता धा, ये करने के बाद 2-4 बार 5 बार हो गया तो बोलते थे देखो अब मैं ऑफ बीट में ताली मारूंगा, तुम लोगों को उसी लय बोलना है। तो बोलते धिंता धा, ऐसे करके लय बोलते थे। ख्याल भी ऐसा ही दिमाग में बैठा होना चाहिए, ऑफ बीट में भी जाके मुखड़े पर बनने आना चाहिए। तो मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मुझे ऐसे ऐसे गुरु जी मिले। आज का दिन उनका वर्णन करने का है, उनकी जो मेरे ऊपर कृपा प्रसाद है उसको बोलने का, इसलिए मैंने बोला। थोड़ा आपका समय ज़्यादा लिया मगर मुझसे रहा नहीं गया आज के दिन। उसके बाद हमने चिंतन शुरू किया, क्योंकि अब मैं उस स्टेज पर हूँ, 61 साल की उम्र है, अभी भी सीख रहा हूँ और मैं आजन्म सीखूँगा। चिंतन हमने ये किया, आज का विषय मेरा है चिंतन मेल, उसके बाद ख्याल, ख्याल की बढ़त, शब्द का महत्व, ये सब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। तो पहले जो हमने बोला स्वर का लगाव, तो उन्होंने बोला था सा पहले नहीं लगता था, तो सा को पहले घेर के लगाना पड़ता था, वही बोलते थे कि उसकी फील्डिंग करनी पड़ती है। विलास खानी थोड़ी हमने लिया है, कालून जी बोलते थे पहले सा लगा के धीरे देख लो, जब आ जाए पकड़ में क्योंकि आ ये जल्दी लगता नहीं है, उसके लिए गले को वोकल कार्ड को तैयार करना पड़ता है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि सा की जो 4 श्रुति होती है भागवत, हर राग में वही सा होगा, सा भी अपने अपने राग के हिसाब से सेट होता है। जैसे उन्होंने ये बताया था, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, इस सा को हर बार चूंकि ध से पकड़ना है तो ध की फ्रीक्वेंसी सा सेट करेगी। आज मैं जो भी बता रहा हूँ मेरा उसमें कुछ नहीं है, हाँ मेरे गुरुजनों ने जो सिखाया उसके बाद मैंने जो विचार किया यही सब है। उसी तरह उन्होंने बताया दो स्वर छोड़ के इधर से सा और फिर ग उधर से सा। अब ये पद्धति से सा लगाने के बाद वो बोलते थे कि जैसे राग शुरू करना है तो आलाप 2-3 बहुत 5 मिनट, इससे ज़्यादा देर बहुत देर आलाप करके ख्याल शुरू नहीं करना, ये मेरा चिंतन है, क्योंकि फिर आगे भी अपने को करना है। तो कहाँ स्वर कम लगाना है, कहाँ मुंह के मुंह में लगाना है, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं मुंह के मुंह में बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर वो भी एक तरीका है।
ये मेरा विचार है कि जब हम नीचे आते हैं तो सीढ़ी अपने को नीचे उतरने में ताकत कम लगती है, ऊपर चढ़ने में ज़्यादा लगती है। तो जब हम ऊपर जाएंगे फिर जब तो ताकत लगाएंगे, तो बेसुरा नहीं होगा और प्रभावी भी होगा। कई तरह की आवाज़ जब गले में सेट होगी तब वो गाना प्रभावी होगा, नहीं तो सुर में है सब में ठीक है जो भी है, प्रभाव नहीं हुआ उसका। तो पहले चिंतन है कि आवाज लगाने की अपनी पद्धति, तो सीधा सीधा नियम यह है कि ऊपर जाते समय साज आते समय पूरी ताकत जब लगेगी तो स्वर पकड़ेगा पक्का, और आते समय उससे दो फायदा है, ज्यादा गला जल्दी थकेगा नहीं, गला थकेगा नहीं तो बहुत लंबा कर सकते हैं। अब मैं आता हूं ख्याल शुरू करता हूं। पहले तो मेरा चिंतन ख्याल के बारे में ये है, हर ख्याल की लय एक अलग होती है और वो उसका आधार होता है शब्द। मैं विलासखानी तोड़ी का ख्याल गा रहा हूं, उसकी लय क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और फिर बरोबरी में दूसरा राग बताऊंगा कि इसकी लय ये होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ये ठेका चल रहा है ता Oh.
ठुमकत चाल चलत है, ये विषय है इसका। ठुमकने की एक चाल जो होती है उसका एक नियम है, ये नायिका का है, नीके घुंघरिया ठुमकत चाल चलत है। ठुमकने की एक स्पीड होती है, बहुत विलंबित में नहीं ठीका जाता, ठुमका जाता है। जैसे बच्चे ठुमकते हैं, जब चलना धीरे धीरे आता है तो बहुत विलंबित में नहीं ठुमकते, क्योंकि उनको यह लगता है कि चलना आ गया तो थोड़ा ठुमक चलत रामचंद्र जो भजन। ठुमकना ये जो शब्द है ये एक अदा होती है, और उस अदा की भी एक स्पीड है। तो उस ठुमकने का जो असर आप डाल पाओगे वो कभी नहीं होगा। अब इस लय देखिए पूरा नहीं है। एक ख्याल जैसे ललित का, हमने जो आधी लय की थी वहां ललित का जो ख्याल है वो एकदम परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे हैं। अब मैं उस लय में ललित का ख्याल बता रहा हूं तो आपको दोनों में फर्क आ जाएगा। विचार जो मैं आपको बता रहा हूं तो ये लय उस ख्याल के लिए एकदम उपयुक्त होगी, मगर हम लोगों ने जो आज का राग लिया है वो उसके दूसरा चिंतन
कि बढ़त, एक राग को बहुत देर गाना है, बहुत लोग गाते हैं, गुणी विद्वान गाते हैं, उसका कारण क्या है। बढ़त ये जो है हर स्वर की होती है, सब रागों में हर स्वर की नहीं होती, मगर ये जो राग लिया है इसमें हो सकती है। तो पहले हमको मान लीजिए सा की बढ़त करनी होती है, तो उसका सूत्र है, सा पे आना है, सा मतलब एक छोटी डिजाइन है, उसको हमको बड़ी बड़ी करते जाना है। तो कैसे होगा, मान लीजिए एक गोला हमने लिया तो उसको छोटे छोटे मान लो चार गोले जोड़ दिए तो एक डिजाइन हो गई, फिर उसमें थोड़ी गंडी निकाल दी। तो सा की यदि आपको सा का आलाप करना है तो नीचे दो स्वर और ऊपर दो स्वर, इतना मटेरियल अपन ने ले लिया, और उस एक सा का आवर्तन आप एक आवर्तन में दो आवर्तन में जितनी कल्पना आपकी होगी ये कर सकते हैं। उसका सीधा सीधा तरीका ये है कि सा पर आने के लिए पहले ध से शुरू किया आलाप, फिर निषाद से शुरू किया, फिर ऋषभ से शुरू किया, फिर ऋषभ को ग का कर्ण देते हुए शुरू किया, फिर ग से शुरू किया। मैं आपको पूरा प्रकार बता रहा हूँ। एक मेरा और विचार है, ख्याल गाते समय जो मुखड़े का शब्द हो उसको जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वाक्य जब पूरा होगा और ख्याल तभी पूरा होगा। मेरा मत ऐसा है कि यदि शब्द है नीके घुमरिया ठुमकत चाल चलत, अब अशुद्ध आवर्तन कौन सा हुआ पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि मेरे विचार से आवर्तन अशुद्ध है, कैसे क्यों वे बताते हैं। चाल चलत है नीके घुंगरिया, ये हिंदी का वाक्य सही माना जाएगा, घुंगरिया चाल चलत है ठुमकत नीके घुंगरिया, ये वाक्य पूरा है कि नायिका ठुमक रही है। चाल चल तो ये जो भी ख्याल का शब्द हो आपको सबको हिंदी आता है, ये जरूर ध्यान रखिए, बढ़त बीच के शब्दों की और यदि मुखड़े के शब्द की करना हो तो पहले, कि अंत में वो पूरी घटना बन के मुखड़े का जो शब्द है जो हम कहना चाह रहे हैं उससे असर भी होता है, नहीं तो पहले मुखड़े के शब्द की बढ़त करते करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे और अंत में उसका मतलब कुछ सिद्ध नहीं होगा। ये स्वर से जो बढ़ा उसको मैं कर रहा हूं, फिर शब्द का अर्थ लेके कैसे करना है, वाद्य में भी उपयुक्त होगा, असर होगा, घुंगरिया ठुमक रही है। अब दूसरा प्रयोग क्या हुआ, हम लोग जो शुरुआत में अलंकार क्यों पटाया जाता है, रटाया जाता है, जितने अलंकार गले में बैठे होंगे उतना ख्याल बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। अब मैं अलंकार का प्रयोग करके एक ख्याल
ख्याल को एक राउंड दो राउंड भी हो जाता है तो कैसे करना है, ये नीरे नहीं होगा क्योंकि ये ताल में नीरे बहुत कठिन परिस्थिति में अलंकार में नहीं सिखाया जाएगा। तो ठीक संगीत में तो ठीक इसी को यदि केवल ध को दो बार कर दिया जाए तो दूसरा अलंकार बन जाएगा। जितनी कल्पना कर सकते हैं इतना मटेरियल यूज करना है। एक तो हर स्वर से आलाप अलग किया आपने, फिर अलंकार उसमें भरते हुए, फिर तीसरी स्टेज आती है कल्पना। कल्पना कब फलीभूत होती है या उसका उपयोग कर सकते हैं, जब हम दो स्वर और आगे बढ़ जाएंगे तब आपको बताते हैं। अब इसी साधना को लेते हुए उपयुक्त चीज है। गणित वाले जैसे एक दो तीन चार लिखना हो उसके कितने प्रकार, 16 प्रकार तो फट से लिख देंगे, दो एक तीन चार, तीन एक दो चार, चार दो एक तीन करके। तो यही अपने पास धैवत से गंधार मटेरियल है। केवल स्पीड बदली है, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम, डायरेक्ट ग से पो लगाने के लिए पहले गले को रमा लेना होता है। लंबी खाई पाटना हो तो पहले छोटा गड्ढा देख ले कि हाँ हमारी स्टेप इतनी है, फिर लंबा जाएंगे। बैठ चुका है तो रे से म जा पा रहा है और उतनी ही दूरी है, शुद्ध रे कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, फिर मध्यम। तो अब रे मा
मेरे गला अपना काम करने लगे। थोड़ा व्यवधान है, व्यवधान नहीं है, मेरे से विद्यार्थियों ने जो किया है, हर स्वर पे हर शब्द लगना चाहिए अ से लेके आ तक। तो उसके लिए शुरुआत में बैठ के सा पर अ आ ई ई अ आ ई पूरे स्वर लगा लिए, उसी तरह सा तक वो लगा लेंगे तो कोई भी शब्द ख्याल का कोई भी किसी स्वर पर हो तो तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे ए शब्द है वो सा पर ऊपर लगाना हो तो थोड़ा कठिन जाता है, मगर जी यदि रियाज आपका पक्का हो तो कभी आपको किसी भी शब्द को जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये सब मैं सोचता हूँ अपने छोटे भाइयों के साथ विद्यार्थियों में शेयर कर रहा हूँ। स्थिति क्या हुई गले की, नीचे पंचम से लेके पंचम तक पूरा गला सेट हो गया। अब इस गले को आदत पड़ गई है कि ध से सा ही जाएगा, ध्वनि सा नहीं जाएगा, और रेग प जाएगा, रेग म प नहीं जाएगा, और रेग से भी मध्यम लग गया तो अपने आप वापस आ जाएगा। उसको चेक करने का सबसे तरीका बढ़िया है कि अब ये राग गले में रमा के धनी ध तुरंत ध पे ही आएगा गला, धनी ध धसा होगा, कभी ध्वनि से सा की तरफ नहीं जाएगा। अब ये क्या हुआ, राग जो अपने दिमाग में बैठ गया, इस सुर से इसके चलन से हम लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अब ये राग राग नहीं रह गया है, अब इस राग की धुन आपके दिमाग में बैठ गई है। चाहे आप तान लेंगे, जोड़ लेंगे, आलाप लेंगे, कल्पनाएं बढ़ानी पड़ेगी, ख्याल के लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी, अब शब्द का महत्व यहां बढ़ जाता है। घूंगारे यार, नायिका कई तरह की होती है और हर स्त्री में आप नायिका खोज सकते हैं, उसको इस विचार से सोचो। डांस देखते समय नायिका का अंदाज अलग होता है, घर में चलते समय नायिका का अंदाज अलग होता है, मालवा में जो बिल्डिंग होती है उनका चलने का अंदाज अलग होता है, वो जब
चलते चलते पानी के घड़े सिर पर रख के जब चलती हैं तो उनका अंदाज अलग होता है। या आप जनरल में आप देखो तो लड़कियों की चाल अलग होती है। हर चाल के हिसाब से यदि आप आलाप उस फुमकत को बढ़त लोगे तो इतना बड़ा राग हो जाएगा, एक एक कल्पना करके आप बढ़ते चलो। जैसे शुरुआत में मैं बताता हूँ, एकदम शुरुआत में फुमकत को ही ठुमक ठुमकना कितने हिसाब से होता है, उसकी चाल होती है। चलती है बड़े अंदाज से, कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, कभी अपने कपड़े देखती है, कभी रुक जाती है। जाने वाले को हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, कब किस चीज की कल्पना अपने गाने में आ जाए, उस शब्द के साथ आ जाए, तो ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हमने आपको बताया बेड़िन लोग जो चलती हैं, घड़े पे पानी होता है, हाथ खोल के चलती हैं, बीच में हंसी ठिठोली भी करती हैं वो लोग, मगर ध्यान पानी पे रहता है, वो गिरे चाल चल किसी ने छेड़ दिया तो झटके से स्पीड से भी आगे बढ़ जाते हैं, मगर चाल में उनके वो जो अंदाज है ना, उनकी चाल और उनका ठुमकना कैसा होता है, इसी को राग का बढ़ाना होता है। और नायकी जो होती है वो राग पूरा होता है, और उसके बाद जो गायकी, मतलब अब उस नायकी को आप कितने तरह से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अब मैं युवाओं को बताऊं, उनका अक्सर ध्यान रहता है उस चाल की भी कल्पना आप कर सकते हैं। कॉलेज डे के समय मान लीजिए जनरली लड़कियां में साड़ी वाड़ी पहन के आती हैं, उनको आप चलते हुए देखो, बहुत कॉन्शियस होती है और बार बार ध्यान देंगी, कोई देख तो नहीं रहा है, हम और तो नहीं लग रहे हैं, ठीक से पहनी है कि नहीं है, तो उनकी चाल और जनरली किसी व्यक्ति की चाल आप पीछे से अच्छे से कल्पना कर सकते हैं, सामने से नहीं, क्योंकि चाल यहाँ से कमर से संबंधित होती है, तो वो तभी आपको उसका चलन समझ में आएगा। अब जल्दी है, जाना है, कॉलेज पहुँचने में देरी है, स्कूल पहुँचने में देरी है, कुछ भी काम, मगर उसमें भी नायिका अपना मूल जो होता है वो नहीं छोड़ती, और नायिका मतलब स्त्री उसकी भी चाल, इसीलिए बोलते हैं चाल चलन, हम लोगों के साथ भी होता है, मगर हम लोग चाल नहीं, हम लोगों का चलन ज्यादा दिखा देते हैं, एक विषयांतर हुआ। तो चाल चाल
वाह, तो उस समय ये आलाप, क्योंकि ये अब अपनी धुन बन चुकी है, जब भी मुखड़ा आएगा उस चाल को देखते हुए फिर इसको बता रहा हूँ कि क्यों ये कल्पना है। बहुत से हैं, हर चाल को आप नहीं देखते। वाह कहने का एक तरीका है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। निषाद तक हम लोग आ गए, सा के लिए भी वही नियम है। ई वर्ण के साथ जैसे इसमें घुंघरिया है, री शब्द है, घुंघरी माइक से हट के या अपना एक बार चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो 19-20 हो गया तो माइक एकदम ब्लास्ट हो गया। री तो आपने पकड़ा है, वो दिक्कत नहीं। घुंघरी माइक सेंस जो होता है ना, आपने देखा होगा दुनिया में बहुत होता है, किस जगह कितने माइक के पास जाना है, किस जगह दूर रहना है, उसका कारण यही है। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाए, हाँ सुनत साथ, क्योंकि इस ख्याल में सुनत साथ है, सा सर्वप्र सा ही है, तो वो यदि परफेक्ट नहीं लगा तो साथ का असर खत्म हो जाएगा। जिया साथ, सुनत साथ, जिया विकल हो तो ऊपर गया, क्योंकि विकल होने के स्वर में नीचे तो आप यूज नहीं करते। आदमी जब भी विकल होगा, विकल हो तो शब्दों के साथ स्वरों का संयोजन जिस महान व्यक्ति ने ख्याल बनाया होगा उसको प्रणाम। ये व्यवस्था होती है शब्दों की। अब इस पर हमने चिंतन ये किया, नी के घुंघरिया ठुमक कत चाल चलत है, और उसके साथ सुनत साथ जिया विकल हो तो सदा रंग लेहो बलैया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठुमक कत चलने की चाल ये सुन के कल्पना नहीं हो सकती, जब तक आप देखोगे नहीं, और देखने के बाद जब आपका जिया विकल होगा तब आप उसको बोल पाओगे। इसलिए मेरा मानना ऐसा है, ख्याल जिनका है वो महान संगीतकार है, मेरा उसमें कोई हक नहीं है, उनके चरण की धूल बराबर भी मैं नहीं हूं, मगर शब्द साहित्य शास्त्र के हिसाब से सुनत साथ की जगह क्या होना चाहिए। घुंघरिया ठुमकत चाल चलत चाल चलत है देखत सा, ये
विचार कहाँ से लेंगे? सुनने के बाद तो हमको कल्पना ही नहीं आएगी कि नीचे घूंगर यह ठुमक करते चाल चलत है, तो जो हम देखेंगे देख कर साथ, देख कर साथ जिया चिंतन है। जरूरी नहीं लोग माने न माने तो भी चिंता नहीं, मैं गवैया तो हूं नहीं। मैंने गाने के बारे में इसलिए चिंतन किया कि मेरे सारे गुरुजन गवैया, एक मुखर्जी साहब को छोड़े, तो मैंने गाना ही सीखा जीवन में। मुखर्जी साहब भी गा के सिखाते थे, पिताजी भी गा के सिखाते थे, और लोगों ने गाना सीखा। सुन आ साथ, तो ये मेरा बदलाव है, माने न माने कोई बात नहीं, बड़े लोगों के लिए सब छूट है। शायद उनके मन में कल्पना नहीं आई होगी, या उनके कल्पना क्या होगी, ये भी हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। अब बात आती है कि हम वापस आते हैं, बड़ा ख्याल के अंतरा लेके जब वापस आते हैं, तो जैसे गीत पूरा होता है, गीत पूरा जब होता है, जब कड़ी गाते हैं और उसके बाद टेर पे आते हैं, तो मेरा ऐसा मत है कि अंतरे की बढ़त कर ली, करके फिर इस पे आना चाहिए स्थाई पे। ये मेरा विचार है, मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं कि मैंने जो चिंतन किया वो आपको शेयर कर रहा हूं। अब बात हुई बढ़ी लय की, इंस्ट्रूमेंट के जोड़ सुनना चाहिए इस काम के लिए, या ध्रुपद के जो जोड़ करते हैं, रे 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 ग रे रे ग सा सा रे रे ग रे रे मा मा ग रे रे ग प प ध नि ध मा रे ग रे सा 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 ध ध सा, ये जोड़ बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले। ध्रुपद वाले रे रे कि फिर जो हम ख्याल में जोड़ करेंगे तो अपने दिमाग में उनके जोड़ बने रहेंगे। Chala chala chala
दो इंस्ट्रूमेंट वाले और दूसरे तरीके से जोड़ करके, जैसे गिटार वाले वो गिटार वालों का जोड़ ऐसा होता है, इसको यदि सुन रहेंगे आप उसको आप सुन के रखो ठुमका। ये गिटार वालों की आगे की बढ़ाते ठूम सरोद वाले ठुमा तो अब आपके गायन में इतना मटेरियल उससे बढ़ा अब जब तान की बारी आती है ये इंस्ट्रूमेंट वालों मटेरियल आपका बढ़ता गया, जोड़ में भी आपके पास बहुत समय रहा। ये शहनाई वालों की बढ़त होती है। अब इसके बाद स्टेप आती है तानों की, तो गुरु शब्द जो होते हैं उसको लेके आप तान गाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चला लघु शब्द है तो उसमें फंसेगा नहीं। ये बोलतान करने के बाद फिर आपकी कैपेसिटी जैसी भी लाउड आवाज कर दे, क्योंकि अब आप पूरा जब तान मारने जा रहे हो तो वोकल कार्ड को अच्छे से खोलना पड़ेगा, तो उस खोलने के लिए पहले लाउड आवाज में आपको जिस स्पीड में आपकी तान चलती है उससे थोड़ा कम स्पीड में असरकारी गाना होता है। उसका असर नहीं है। अब ये जब आपने गले में
रम गया उसको। अब चूंकि मैं गवैया नहीं हूं तो उस लय में तान मारना मेरे बस का नहीं है। इसके बारे में चिंतन क्या है आपको बता रहा हूं। अब ये ध से सा जब लगा ऐसा बहुत लगाने में कठिन है। तो साल गली की आवाज जो होती है मराठी बोलते हैं गली नहीं गाते तो वो आवाज सा के लिए उसमें बिंदी लगी होगी। अब बात हुई बड़ी लय के बाद तीन ताल किस लय में होना चाहिए इसका छोटा था जो पब्लिक को असर करेगा। ये मेरे गुरुजी मुखर्जी साहब ने हमको बताया है क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट भी जो बजाता हूँ ज्यादातर तीन ताल में बजाता हूँ दूसरे तालों में बहुत कम बजाता हूँ। क्यों हो सकता है मैं ताल में कमजोर हूँ ये मानते हैं दूसरे ताल में हमारा दिमाग नहीं चलता ये भी हो सकता है मगर हमारे गुरु जी ने एक बात बताई थी कि इस लय के बाद किस लय में तुमको छोटा ख्याल शुरू करना चाहिए बड़े ख्याल के बाद और ये हमारे लिए सुलभ कर दिया है इस ताल माला में। कैसे मैं परफॉर्मेंस करके बता देता हूँ। अब ये लय चल रही अपनी ये लय चल रही है ना 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 इसके सवैया डेढ़ई में अपनी गला चल रहा है। अब ये इसका जो तीन ताल आएगा इसी लय में होगा परफॉर्मेंस देखिए ये मशीन ने कितना सुलभ कर दिया। इसका फायदा ये होगा चारा चारा ये ले के अपने दिमाग में है। अब जब आप लोगों ने छोटा ख्याल लिया आते हैं अब लंबी जैसे तान हम लोग ले रहे हैं तो वो पॉइंट आते ही वो टुकड़ा अपने आप उसमें जुड़ के आ जाएगा।
जहाँ तक करना चाहिए दान मारते समय सांस से उठने को अवॉइड करना चाहिए, वो फंसने का डर रहता है। जाओ यार वहीं जाओ, जिसके साथ रहते हो वहीं रहो,
तो ये वाक्य भी हम लोग जल्दी बोलेंगे, अरे जाओ वहाँ जाने आ गए, अरे जाओ वहाँ चले जाओ जिसके साथ रहे हो, ये नहीं होगा। वो गुस्से में जो वही जाओ 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 वाला जिना युवा संग की रंग गले वही जाओ वही जाओ वही जाओ सेट हो गई, गला सेट हो गया। अब ये माइक का काम है, इस जगह आप पूरे पब्लिक को अपने साथ बांध के रखते हो। देख लिया एक जगह पर कितनी देर हम कुछ सकते, का हमने से आपको बताया कि विलंबित यदि है तो वो ज्यादा विलंबित में ऐसे बोलोगे तो वो उसका भाव नहीं है। तो शब्द पर बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, उस ख्याल में पहली मात्रा से लेकर मुखड़े तक आने पर वो वाक्य पूरा हुआ कि नहीं, कि केवल चाल नीके घुंघरी है, कोई वाक्य हिंदी वाला वाक्य पूरा नहीं हुआ। चाल चलत है नीके घुंघरी है, ठुमकत नीके घुंघरी है, ठुमकत चाल नीके घुंघरी है, ठुमकत चलत है नीके घुंघरी है। इतने वाक्य जब होंगे उस ख्याल में तो ये संयोजन करने के लिए मुखड़े के शब्द को जहाँ तक हो कम प्रयोग करते हुए, क्योंकि बाकी पूरा वाक्य बनने के बाद जब मुखड़े के शब्द लेके आएंगे तो उसके असर अलग होंगे, उसका अर्थ भी पूरा होगा। नहीं तो आप शुरुआत से नीके घुंघरिया की ही बढ़त करते करते नीके घुंघरिया पर आके यदि आपने ख्याल खत्म कर दिया तो कोई वाक्य नहीं, आपको बढ़त करनी भी नीके घुंघरिया तो आप दो आवर्तन जाइए, उसके आगे जाके उस वाक्य को पहले पूरा करिए, उस वाक्य को पूरा करके तभी आप जा सकते हैं और तभी वो अच्छा भी लगेगा। अब अंत में, आज गुरु पूर्णिमा है, ग्वालियर घराने की एक गुरु का वंदन है, इस समय यमन गाना ठीक नहीं है इसलिए उसको मैं लय के साथ नहीं गा रहा हूँ, केवल उनको गुरु जी को वंदन करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए कोई समय का बंधन नहीं होता है, उसको मानते हुए मैं केवल उतनी है गुरु की वंदना गा के आज की यह सेवा समाप्त करता हूँ। जैसा भी आपको लगा हो, ये मेरा विचार है, किसी के ऊपर बंधन नहीं है। ख्याल के बारे में, बढ़त के बारे में यदि आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है। गुरु कैसे गुण गावे, गुरु नमा
माने तो रिझावे सब को चरण दहे सादी कन के तब आवे अचबल ताल सुर गोविंद कैसे गुण गावे। आज का मेरा जो भी विचार है ये मेरे सारे गुरुओं का आशीर्वाद है और उन्हीं को समर्पित है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, उन्हीं का सिखाया हुआ है। आप लोगों को अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, आपने उसने स्वीकार किया, इसलिए आप सभी को